नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज 17 जून 2021, 17 जून 2021 यानी एक ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन जिसने भारत देश का ही नहीं दुनिया भर की महिलाओं के लिए, उनकी सुरक्षाओं के लिए एक अहम कदम उठाया था। 2014 में जब पहली बार एक ऐसा सकारात्मक प्रथम कदम उठाया गया था महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए, जब महिलाओं पर एसिड के हमले, तेज़ाब के हमले होते थे, तब इस प्रकार से कोई किसी ने भी पहल नहीं की थी कि बाज़ारों में खुले आम बिना लाइसेंस के एसिड बेचने पर रोक लगाया जाए। लेकिन ये वही व्यक्ति है जिनका आज जन्मदिन है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लोकसभा सांसद श्री डॉक्टर किरीट सोलंकी जी की। आज उनका 72वां जन्मदिन है और उज्जवल भारत की टीम की ओर से उनको बहुत 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 ढेर सारी हार्दिक जन्मदिन की बधाई। उज्जवल भारत टीम ये शुभकामना करती है कि वो सदा स्वस्थ रहे, हमेशा उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और इसी प्रकार से समाज के लिए, हर सकारात्मक कार्यों के लिए हमें उनकी सहारे की, उनकी साथ की बेहद ज़रूरी है। तो उनका सही रहना, उनका सेहतमंद रहना हमारे सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार और हमारी उज्जवल भारत न्यूज़ टीम की ओर से डॉक्टर किरीट सोलंकी जी को उनके 72वें जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज उन्होंने अपने 72वें जन्मदिन के अवसर पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम में उपस्थित रहकर वृक्षारोपण करके अपना जन्मदिन बनाया। आज डॉक्टर श्री किरीट सोलंकी के 72वें जन्मदिन पर हर एक देश के व्यक्ति ने कोने कोने से उन्हें आज इस जन्मदिन की शुभकामना व्यक्त की है। साथ में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने भी, श्री विजयभाई रूपाणी ने भी उन्हें पत्र लिखकर उनके इस 72वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई व्यक्त की है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उन्हें पत्र लिखकर उनके 72वें जन्मदिन की बधाई व्यक्त की है। साथ में देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी उन्हें पत्र लिखकर इस उनके 72वें जन्मदिन को उनकी हार्दिक बधाई उन्हें व्यक्त की है। साथ में ऑल इंडिया वुमेन फुटबॉल टीम के श्री अरुण साधु जी ने भी उन्हें हमारे इस चैनल के माध्यम से इस जन्मदिन की श्री किरीट सोलंकी जी को बहुत बहुत बधाई व्यक्त की। उन्नति फाउंडेशन और संकल्प संस्था दोनों ने संयुक्त इस जन्मदिन के अवसर पर सुबह लिलीवाड़ी चार रस्ता विस्तार में जाहिर मार्ग पर स्लम विस्तार में घी रोहित समाज और सहकारी मंडली द्वारा उनके चेयरमैन और भाजपा के अग्रणी अशोक भाई परमार के सहयोग के साथ 500 उपरांत मास्क वितरण उन्होंने, अशोक भाई परमार प्रदेश भाजपा के अनुसूचित जाति के मोर्चा के मंत्री गंगरा भाई सोलंकी, प्रदेश भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष प्रवीण भाई परमार, जिला भाजपा के मंत्री मधुबेन सेनमा, सामाजिक अग्रणी दिनेश परमार, नरेंद्र भाई वाणिया, उन्नति फाउंडेशन के प्रमुख परेश भाई मकवाणा और संकल्प संस्था के प्रमुख और पाटन नगरपालिका के कॉरपोरेटर अजेंद्र के हिरवाणिया, संकल्प संस्था के मंत्री भरत सोलंकी, हिम्मत सोलंकी, स्वामी विवेकानंद युवक मंडल के साथ संयोजक जय राणा, श्रद्धा प्रजापति वगैरह यहाँ पर उपस्थित थे और मास्क वितरण का कार्यक्रम भी यहाँ पर किया गया। साथ में डॉक्टर किरीट भाई सोलंकी ने उत्तम स्वास्थ्य और उनके उत्तरोत्तर प्रगति के लिए लोगों ने प्रार्थना की और इस जन्मदिन को उनके लिए शुभेच्छा व्यक्त भी की है। उज्जवल भारत की न्यूज़ की टीम की ओर से भी सीमा भट्टाचार्य और साथ में इस टीम के सभी सदस्यों के द्वारा डॉक्टर किरीट सोलंकी के 72वें जन्मदिन को आज हम सब मिलकर उन्हें बहुत 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 बधाई देते हैं और हम ये चाहते हैं सच्चे मन से कि उनका स्वास्थ्य एकदम स्वस्थ रहे, कि
क्योंकि समाज में देश को, समाज को ही नहीं देश को ऐसे व्यक्ति की बेहद ज़रूरत है। इसलिए उनका स्वास्थ्य सही रहे, वो निरोगी रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे, हम यही चाहते हैं। एक बार फिर उज्जवल भारत न्यूज़ टीम की ओर से डॉक्टर श्री किरीट सोलंकी जी को उनके 72वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। ड्राफ्ट रोबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से डॉक्टर किरीट भाई सोलंकी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। डॉक्टर किरीट भाई सोलंकी खेल और खिलाड़ियों के प्रति हमेशा समर्पण रहते हैं और वह अपने लोकसभा क्षेत्र एनपी नेता भी हैं। वह लोकसभा के लिए लगातार तीन बार चुनाव जीत चुके हैं। खिलाड़ियों के प्रति समर्पण की भावना रखते हैं, उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ड्रॉप ओवर द गुज्जू भाई रेस्टोरेंट आपके लिए लेकर आया है काठियावाड़ी पंजाबी चाइनीज फास्ट फूड और लाइव गाठिया भजिया। स्वादिष्ट खाने के साथ सेल्फी पॉइंट भी। अरे कहाँ, वलसाड़ का नया गुज्जू भाई और कहाँ, वलसाड़ में हाईवे नंबर 48। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज।